नमस्कार, मैं कनक, आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर। हिमाचल में चुनावी बिगुल बजने के साथ ही सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। फिलहाल प्रदेश में भाजपा की सरकार है। अब तक हिमाचल के इतिहास में भाजपा व कांग्रेस में ही कड़ा मुकाबला होता आया है। इस बार यहां के चुनाव में आम आदमी पार्टी की भी एंट्री हुई है। दिल्ली व पंजाब में आपकी सरकार बनने के बाद पार्टी ने गुजरात के साथ हिमाचल में भी पूरी ताकत लगा रखी है। पंजाब के सीएम भगवंत मान भी लगातार हिमाचल प्रदेश व गुजरात के दौरों पर है। चुनावों को लेकर आज हम आपको ऐसे भाजपा नेता से रूबरू करा रहे हैं जिनके नेतृत्व में पहले चंडीगढ़ में नगर निगम पर भाजपा काबिज हुई। हरियाणा विधानसभा चुनावों में भी इसकी विशेष भूमिका रही। अब इन्हें हिमाचल प्रदेश का सह प्रभारी बनाकर किला फतेह करने की जिम्मेदारी दी गई है। यहां भी वह पूरे दमखम से पार्टी को सत्ता में लाने की दिशा में अग्रसर हो रहे हैं। इस संबंध में अर्थ प्रकाश की विशेष टीम ने कई मुद्दों को लेकर उनसे खुलकर बातचीत की। उन्होंने न केवल बेबाकी से चुनावों को लेकर अपनी बात रखी बल्कि विपक्षियों की पोल इस प्रकार खोली। देखे विशेष संवाददाता साजन शर्मा की कैमरामैन मनीष के साथ विशेष रिपोर्ट। नमस्कार, अर्थ प्रकाश में आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं भाजपा के अध्यक्ष रहे चंडीगढ़ के संजय टंडन जी के घर में। उनसे हिमाचल के चुनावों को लेकर लेटेस्ट अपडेट और जानकारी लेते हैं। संजय टंडन जी जो हैं सह प्रभारी हैं हिमाचल प्रदेश के। उन्होंने कई दिन पहले जो है प्रचार शुरू कर दिया था पार्टी के लिए और काफ़ी जोर शोर के साथ जो है वो हिमाचल की कमान संभाल रखी है। आइए हम उनसे कुछ सवाल जानते हैं कि इस बार जो है भाजपा, कांग्रेस और आप, एक तरह से त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उस त्रिकोणीय मुकाबले में आपको क्या लगता है कि आपका किस पार्टी के साथ मुकाबला है? देखिए, ये कहने को आप त्रिकोणीय कह रहे हैं लेकिन मुकाबला जो है कोई त्रिकोणीय है नहीं। जो मुकाबला जो है, जो शुरू से पुश्तैनी हिमाचल के अंदर भाजपा और कांग्रेस के बीच में ही रहा है। ये बात सही है कि आम आदमी पार्टी उस वहाँ पर घुसपैठ करने की कोशिश कर रही है लेकिन उनकी कोई घुसपैठ जो है वो उसके अंदर कामयाब हुई नहीं है। और चूँकि वो दिल्ली और पंजाब के इतना नज़दीक है हिमाचल प्रदेश के लोगों को, उनका स्टाइल ऑफ वर्किंग, उनकी जो वो जो गप्पे मारते हैं और जो एक तरह से एड कंपनी चलाते हैं उसके बारे में लोगों को अच्छी तरह, हिमाचल के लोगों को जानकारी है और उनको कहीं पांव रखने को उनको स्थान नहीं मिल रहा। तो मुख्यतः मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच ही है। इसमें सर क्या लगता है आपको कि इस चुनाव में किस तरह के मुद्दे सामने आ रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस क्लैरिटी के साथ के हम विकास के मुद्दे के ऊपर चुनाव लड़ रहे हैं। इन 5 सालों के अंदर हमने इतना काम किया है। मैं लगभग 50 से अधिक विधानसभा क्षेत्रों में मेरा जाना हुआ और हर क्षेत्र के अंदर मैंने ये महसूस किया है कि लोग मानते हैं, मैं सिर्फ कार्यकर्ता की बात नहीं करता, आम जन मानते हैं कि जयराम की सरकार ने अभूतपूर्व काम किए हैं। अगर मैं आपको काउंट कराने लगूं, आप देखेंगे कि कोई वहाँ बीमार होता था तो लोग वहाँ उसको अगर कोई ज़रूरत पड़ती है ख़ास डॉक्टर की तो उसको PGI या एम्स में लेके जाते थे। अब पिछले 5 वर्षों में उसका शिलान्यास ही नहीं, एम्स का उद्घाटन भी बिलासपुर में हो गया है। ये भी एक बहुत बड़ी सुगात है जो हिमाचल को मिली। बल्क ड्रग पार्क जो है वो लगभग 2000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट में वो ऊना ज़िले को वहाँ पर मिला है। जो यहाँ पर मेडिकल कॉलेज, IIM, जो ऐसे प्रावधान जो यहाँ पर किए गए हैं वो एक अभूतपूर्व डेवलपमेंट का भाग है। फिर जो अटल टनल है, आपने शायद देखी हो, जो श्रोतागणों ने देखी हो, एक 46 किलोमीटर का जो मनाली से रोहतांग का रास्ता जो जिसको जाने का, उसको शॉर्ट करके 9 किलोमीटर की टनल जो बनी। लाहौल स्पीति जो 6 महीने
पूरे दुनिया से कट जाता था, आज वो पूरे समय तक जुड़ा रहता है। और अटल जी ने इसका शिलान्यास किया था सन 2004 के अंदर, और उनका कहना था कि ये जो पत्थर है, ये मेरे दिल के ऊपर ये एक पत्थर है। और कांग्रेस की 10 साल जो सरकार रही, उसने उसके ऊपर कोई कार्य नहीं किया। ये आदरणीय मोदी जी की सरकार आई तो वो कार्य पूरा हुआ। आज अटल टनल जो है देश को समर्पित है। उसके साथ ही साथ आप देखेंगे एक एक घर में LPG का सिलेंडर पहुंच चुका है। डबल इंजन की सरकार ने जहां पे उज्ज्वला योजना आई, वहां पे जो मुख्यमंत्री जो महिला कल्याण के लिए उन्होंने वहां पे बाकी महिलाओं को यहां से दिया LPG का सिलेंडर। हिम केयर की योजना को आयुष्मान योजना के साथ जोड़ते हुए, क्योंकि आयुष्मान योजना में 4,32,000 लोग कवर हो रहे थे, तो इन्होंने 6,28,000 लोगों को हिम केयर में कवर करके सारों को स्वास्थ्य बीमा फ्री ऑफ कॉस्ट उनको दिया। जिससे क्या हुआ कि आपने ये 2 साल जहां पे ये कोविड की महामारी के रहे, इस समय के अंदर हर व्यक्ति को जिसको ज़रूरत पड़ी उसकी जेब के ऊपर कोई असर नहीं आया। वैक्सीनेशन हुई तो वैक्सीनेशन जो 100% वैक्सीनेशन वाला पहला प्रदेश हिमाचल प्रदेश बना। उतनी ऊंचाई तक जो वहाँ पे जो 15,000 फुट की टॉलीगंज नाम का सबसे ऊंची जगह है लाहौल स्पीति के अंदर, वहाँ पर भी जो है भेजने के लिए हेलीकॉप्टर के द्वारा वैक्सीनेशन भेजकर वहाँ पर भी किया गया। आज टॉलीगंज जगह भी ऐसी है जहाँ पे पानी का जो है जो नल भी पहुँच गया है। आज हर घर 96% कवरेज जो है जो नल के साथ घरों की हो चुकी है, और बड़ी तेज़ी से हम उसको 100% की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। सड़कों का जाल जो है हर गांव सड़क के साथ जुड़ चुका है। तो मेरा मानना है कि डेवलपमेंट के अभूतपूर्व जो है आयाम जयराम सरकार ने हासिल किए हैं, और जो मोदी जी की सरकार जो दिल्ली में है और उनका साथ मिलता है, तो ये जो आयाम और भी 3-4 गुना आगे बढ़ के काम कर पाते हैं। मुझे लगता है कि ये डबल इंजन की सरकार एक बार हिमाचलवासी फिर से चाह रहे हैं। आप इसको डबल इंजन की सरकार बताते हैं, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस आरोप लगाती है कि बीते 5 साल के अंदर बहुत भ्रष्टाचार हुआ, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए एक पंजाबी की कहावत है, आटा गूंदी हिलदी क्यों। तो उसके अंदर ये होता है कि भी आप उनके पास विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा। आज उनके पास ना नेता है, ना नीयत है, ना नीति है, ना उनका कोई नियम है। आप देखेंगे कि उसके विपरीत भारतीय जनता पार्टी के पास नेता भी है, नीति भी है, और हमने नियम के साथ सारे ये कार्य किए हैं, और कोई ऐसे चीज़ नहीं है। क्योंकि आप जो इन्होंने अपना निकालने का प्रयास किया कि हम जो भाजपा की सरकार के खिलाफ इन्होंने एक वाइट पेपर निकालने का प्रयास किया, अब देखेंगे कि वाइट पेपर एक खोखला हिस्सा बन के रह गया। आज कहीं पर उसकी चर्चा ही नहीं है। आज आपको ये 15 दिन पहले चुनाव से आपको इस चीज़ की याद कहाँ से आई? आप ये चीज़ें आज पूछने वाली हैं। निचले लेवल के ऊपर जब आप लोगों के बीच में जाते हैं, विकास एक मुद्दा है, डबल इंजन की सरकार ये दूसरा मुद्दा है। कि मोदी जी की सरकार ऊपर है तो उसके साथ और आगे बढ़कर जो है विकास के काम करने हैं, तो जो डबल इंजन की सरकार प्रदेश के अंदर हो इसके लिए लोग प्रयासरत हैं। तीसरा, हमारी जो प्रदेश में से जो दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक दल है उसके अध्यक्ष जो हैं वो हिमाचल प्रदेश से आते हैं, तो आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी का प्रदेश होने के नाते आज हिमाचलवासी गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमारा व्यक्ति जो है, हमारा बेटा इस दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक दल का अध्यक्ष है। तो वो इस प्रदेश को तो उनकी झोली में डालने के लिए सब लोग आतुर हैं। एक ट्रेंड संजय जी हिमाचल में हमेशा रहा है कि जो सरकार रहती है वो सरकार 5 साल के बाद बदल जाती है, और आप बता रहे हैं कि कांग्रेस के साथ मुख्य मुकाबला है, तो आप इस ट्रेंड को किस तरीके से देखते हैं? मैं इसको देखता हूं कि आज जैसे उत्तराखंड के अंदर एक ट्रेंड था, जब से उत्तराखंड
प्रदेश बना, तो ये ट्रेंड बदला वहाँ पे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो वहाँ पर रिपीट हुई, और जो 36 बरस में उत्तर प्रदेश में जो ट्रेंड था कि मुख्यमंत्री दोबारा नहीं बनते थे, वो भी जो है वो जो पुराना रिवाज था वो रिवाज बदला गया। हमने गोवा के अंदर तीसरी बार सरकार बनाई, हमने मणिपुर के अंदर रिपीट किया है। मेरा मानना है कि इस बार लोग ये महसूस कर रहे हैं कांग्रेस जो है वो गिरावट की तरफ आगे बढ़ती जा रही है। कांग्रेस के पास जो नेताओं की वो कमी हो रही है, जो कोई उनका कोई थॉट प्रोसेस है वो बिल्कुल लेफ्ट राइट की तरफ जा रहा है। उनका कंट्रोल अपने लोगों के ऊपर नहीं है, लोग छोड़ के भाजपा को ज्वाइन कर रहे हैं। आए दिन रोज हमारे पास ऐसे लोग ज्वाइन कर रहे हैं कि जो कितने बरसों से उनके साथ थे। आप देखिए आज असम के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने कितने बरस कांग्रेस के अंदर काम किया, ज्योतिरादित्य सिंधिया जो हैं उन्होंने काम किया, आज दोनों हमारे एक कैबिनेट मंत्री है, एक मुख्यमंत्री हैं, वो कार्यरत हैं। पंजाब के अंदर तो आप जानते ही हैं कि आधी कांग्रेस जो है वो छोड़ के जा चुकी है। इधर जम्मू कश्मीर में आप देखिए आजाद जी वो भी आज़ाद हो गए हैं। तो मेरा ये मानना है कि आज कांग्रेस वो वाली जो कांग्रेस दिखती नहीं है। और किसी के ऊपर ये बात करना कि भाई ऐसा नहीं होगा हमारे पास, अब कोई मुंगेरी लाल के सपने लेना चाहता है तो वो लेते रहें, लेकिन 8 दिसंबर को आपके सामने ये आएगा, जयराम की सरकार जो है एक बार फिर से बनेगी, भाजपा इसको रिपीट करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। संजय जी, बागी एक समस्या रहा है, वो चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, ये एक समस्या पेश आ रही है सामने। पता लग रहा है कि बहुत से बागी जो है आपकी पार्टी में भी हैं, तो उनको किस तरह से आप जो है साध रहे हैं? मैं नहीं सोचता कि कोई बागियों की कोई ऐसा कोई विषय रहेगा। देखिए होता क्या है कि जब व्यक्ति विशेष को और कार्यकर्ता को और दुनिया को लगता है कि आपकी सरकार बनने वाली है, तो नेचुरली एक थोड़ा सा एस्पिरेशंस जो हैं कुछ लोगों की और जागृत हो जाती हैं, उसकी वजह से कुछ लोग इसमें कूदे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक सिस्टम है, हम लोग पूरे सिस्टम के साथ काम करते हैं, हम पूरे सर्वे के साथ काम करते हैं, हमने विनेबिलिटी को आधार रखते हुए हमने टिकटों का आवंटन किया है, हमने इस चीज़ को देखा है कि हमने सरकार को रिपीट करना है। कुछ लोगों ने ऐसा किया है, मुझे लगता है कि उसमें से काफ़ी लोगों ने विड्रॉल के दिन उन्होंने वापस भी लिया है, और जो लोग बचे हैं वो भी आप कुछ चंद दिनों में देखेंगे वो भी वापस मुख्य धारा में आ जाएंगे। आप मोदी फैक्टर को ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं या कि सरकार की उपलब्धि को? देखिए आप इस चीज़ को आप समझें, देश ही नहीं दुनिया के अंदर मोदी जी एक बहुत बड़ा नाम है। उस नाम को आप जो है उसको आप साइड पर नहीं कर सकते। आप ये देखिए कि उस नाम के साथ लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं, और जब वो हिमाचल को एक तरह से अपना दूसरा घर मानते हैं और जितना प्यार सम्मान उन्होंने हिमाचल को दिया है, आप पिछले दिनों में आपने देखा होगा 4 जगह पर उन्होंने कार्यक्रम किए, वंदे भारत हमको ट्रेन यहाँ पर दी, बल्क ड्रग पार्क दिया, एम्स का उद्घाटन किया, वहाँ दशहरा के दिन को भी आज तक कोई प्राइम मिनिस्टर कुल्लू में नहीं पहुँचा था, वो वहाँ पहुँचे, चंबा के मैदान में वो लगभग 43 वर्ष बाद कोई प्रधानमंत्री गए थे, उधर एक अभूतपूर्व कार्यक्रम हुआ। पूरे प्रदेश के अंदर ये लहर चली है कि मोदी जी का खास प्यार है हिमाचल के प्रति, और वो मोदी जी के नाम पे, मोदी जी के काम पे, जयराम जी के काम के ऊपर वो वोट देंगे और भाजपा की सरकार को रिपीट करेंगे। भाजपा को आप सबसे अग्रणी मान रहे हैं फिलहाल चुनावों में, तो मैं जानना चाहता हूँ कि कितनी सीटें जीतने की उम्मीद लग रही है? पिछली बार से अधिक सीटें जीतेंगे। तो ये थे हमारे साथ संजय टंडन जी, हिमाचल के सह प्रभारी। उनका कहना है कि भाजपा पिछली बार से भी ज़्यादा सीटें जीतेगी और एक पुनरावृत्ति होगी सरकार की, जिस तरह से उत्तराखंड में, गोवा में और कई प्रदेशों में जो है भाजपा ने जो है वो ट्रेंड तोड़ा है कि दूसरी दलों की सरकारें आई, लेकिन हिमाचल में भी वही ट्रेंड जो है रिपीट होगा। साजन शर्मा, अर्थ प्रकाश के लिए चंडीगढ़ से।
ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।